अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग नाम्स बोला जाता है, यही मैं बोल रहा हूँ सरकार को या फिर परगनास को कहीं पर डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चन आया है इसी साल कि सूबा, परगना और सरकार, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो कहीं पे कोई हिस्टोरियन उसे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात आप बोल रहे हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली एक बार में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द रूलर्स देयर कंट्रीब्यूशंस, उसके बाद फिर हम एक लेक्चर हमारा उनके पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर उनके ऊपर होगा, तो वहां पर ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। टिल देन अभी थोड़ा सा धैर्य धारण कर लो, ठीक है। हाउ डिड हुमायूं मैनेज टू गेट बैक आफ्टर 15 ईयर्स? देखिए 15 साल के लिए वो गया तो था, लेकिन 15 साल तक वो हमेशा इसी कोशिश में रहा कि कैसे उसे वापस अपने प्रोविंस को, वापस अपने किंगडम को वापस लेना है। इसके लिए वो पर्शिया गया, उनसे मदद लिया, ही टुक हेल्प फ्रॉम शाह पर्शिया, उनसे मदद ली, उससे पैसे लिए, सोल्जर्स लिए, और उसके बाद काबुल कांधार से स्टार्ट करा उसने अपने भाइयों से लड़ना, एक एक करके टेरिटरी वापस ली, लड़ी तो काबुल, कांधार, फिर लाहौर, मुल्तान, फिर कश्मीर, इस तरह से वापस लेते लेते आप बोल सकते हैं कि शेरशाह सूरी इनकम्पिटेंट था, वो तो ठीक है, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, बट इट इज नॉट अ मेजर रीजन। इनकम्पिटेंट था तो ऐसा नहीं था कि उसके अंदर मिलिट्री नहीं थी, उसके कमांडर नहीं थे, वो सारे ही थे, ठीक है। हेमू इज द कमांडर एंड ही इज फाइटिंग इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री, लेकिन हुमायूं ने 15 साल दैट इज व्हाट आई सेड, शाह ऑफ ईरान, ही टुक हेल्प फ्रॉम शाह ऑफ ईरान, पर्शिया, रिसोर्सेज, सोल्जर्स, एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम काबुल कांधार रीजन, नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करते हुए, पहले नॉर्थ वेस्ट काबुल कांधार, फिर पेशावर, फिर लाहौर, मुल्तान, फिर कश्मीर, इस तरह से फिर इंडिया के अंदर, फिर राजस्थान के थ्रू से आते हुए फिर दिल्ली, आगरा, ये सब कैप्चर किया अपने भाइयों से ही लड़के, पहले अपने भाइयों को हराया, भाइयों को हराते गए, उनके सेना को अपने सेना में इकट्ठा करते गए, सेना इसकी बड़ी होती गई, ये भी ताकतवर बनता गया, और फाइनली इन्होंने आगरा पे कैप्चर करा।